सारे तेरे टुकड़े होंगे हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये दिख गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, देश संकट में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों आज एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, वीडियो बहुत खूबसूरत है। वीडियो का टाइटल है कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने मोदी जी को भी नहीं छुड़ा है। तो क्या वीडियो में है मैंने देखा नहीं है, देखने के बाद इंशाल्लाह पता चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख किस बात का है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरा हर वीडियो की अपडेट पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को और इंतजार ना करा के डायरेक्ट वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। मैम मेरा सवाल आपसे, मैम भारत जोड़ा यात्रा की बात यहाँ पे हुई है, मैम पर मैम भारत के ये जोड़ेंगे जो मुझे फोन करे भूल कर मुझे दिख नहीं। कौन है, किसकी फोटो है? यानी कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने जिस तर्क में मुझसे जिस तर्क में पूछा मैं आपसे भी पूछ लू, आपको ये पता है कि अमित शाह जी से फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा, बात तो सही है। जहाँ पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत में, जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में। तेरे को बता दे तेरी माटी। अच्छा 9 साल से, एक मिनट अंजना जी माइक हटा दीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, 9 साल से स्कैम स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये पूरा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये पूरा पूछते रहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। 136 चीनी कंपनियों को बैन किया गया और इसी साल चीन का ट्रेड भी है इंडिया से और ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ आप कहते हैं आप चीन को आंख दिखाएंगे और दूसरी तरफ आप चीन से व्यापार भी कर रहे हैं। लाल जल्दी ये बात नहीं है, बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। जो इस एज से बच्चे शायद ना जानते उतना ना समझते लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात, और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दंड से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए, 186 नागरिक मारे गए हैं और शहीद जवानों की संख्या 306 है। ये दिख गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, देश संकट में है। दोस्तों वीडियो आप लोग ने देखा है, मैं भी देखा हूँ। पहले दोस्तों आप लोग ने ये वीडियो देख के क्या समझा है वही कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों हम सबको पता है पहल बहुत जो है जिसको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ इसको ही देखते हैं। अरे भाई देखना है तो सब चीज को देख के बात करना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, दोनों बातों को देखना है कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद बात करना है और दलील सबूत के साथ बात करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग ने जो सुना है और जो समझा है उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा कमेंट मत करना दोस्तों। और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। पहले दोस्तों मिलता है किसी और एक अच्छा वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह।